साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चैती दुर्गा पूजा के आठवें दिन मां गौरी के अष्टम स्वरूप की गई पूजा अर्चना, पूजा पंडालों और मंदिरों में उमड़ा जन सैलाब। नगर निगम उप नगर आयुक्त के रूप में अस्मिता कुमारी ने ग्रहण किया पदभार, शहर की समस्याओं को दूर करने की कही बात। और बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में मनाया गया रामनवमी महोत्सव, बच्चों ने विभिन्न वेशभूषाओं में रामायण के चरित्रों का किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। चैती दुर्गा पूजा के आठवें दिन मां का आठवें स्वरूप मां गौरी की पूजा अर्चना किया गया। इस मौके पर विभिन्न पूजा पंडालों और मंदिरों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। चैती दुर्गा पूजा के आठवें दिन शनिवार को महागौरी पूजन को लेकर गांव से लेकर शहर तक विभिन्न पूजा पंडालों और मंदिरों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। शहर के चैताली दुर्गा मंडप, छोटकी दुर्गा मंडप, बरगंडा स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंडप समेत चैती दुर्गा पूजा हो रहे अन्य मंदिरों व पंडालों में माँ भगवती के अष्टम रूप महागौरी की पूजा अर्चना की गई। तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। 2 अप्रैल से शुरू हुई बसंती नवरात्र प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जा रहा है। आज माँ के आठवें रूप का पूजन किया गया। इसके अलावा विभिन्न मंदिरों में माँ भगवती का श्रृंगार पूजन भी किया गया। 2 साल के बाद पुनः एक बार आस्था का जन सैलाब विभिन्न पूजा स्थलों पर नजर आई। 2 साल कोविड का समय रहने के कारण भक्तों की भीड़ नहीं रही, लेकिन इस बार कोविड-19 में कमी के बाद एक बार पुनः भव्य रूप से पूजा देखने को मिल रही है। शहर के कई मंदिरों व पूजा स्थलों पर पुलिस प्रशासन की ओर से महिला एवं पुरुष दोनों तरह के जवानों की तैनाती की गई है। प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम के नए उपनगर आयुक्त के रूप में अस्मिता कुमारी ने अपना पद ग्रहण किया। निगम कर्मचारियों और वार्ड पार्षदों के द्वारा बुके देकर उनका स्वागत किया गया। गिरिडीह नगर निगम के नए उपनगर आयुक्त के रूप में अस्मिता कुमारी ने अपना पद ग्रहण किया। निगम कर्मचारियों और वार्ड पार्षदों के द्वारा बुके देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं पद ग्रहण करते हुए उपनगर आयुक्त ने बताया कि शहर की समस्याओं को दूर करने की पहली प्राथमिकता रहेगी। शहर में साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, शहर में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा। वहीं मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर सुमित घोष, जेई शोभा कुमारी, प्रदीप सिन्हा, वार्ड पार्षद अशोक राम, सुमित कुमार, सैफ अली गुड्डू, बुलंद अख्तर, पार्षद प्रतिनिधि अनिल राम समेत कई पार्षदगण मौजूद थे। ये जो चुनौतियाँ आपने बताई हैं उसको तो मुझे भी समझना होगा कि ये चुनौती को हम कैसे पार करेंगे। प्राथमिकता तो रहेगी कि जैसा हमारा फीडबैक मिला है कि हमारा कुछ वेंडर्स के लिए मार्केट बन गए हैं, उनको शिफ्ट कराना तो वो हमारा चुनौती है। तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग शिफ्ट कर दें तरीके से, ताकि जो समस्या जो रोड जाम की है वो भी उससे कम हो पाएगा। और दूसरा है कि जो भी पुरानी स्कीमें चल रही हैं उसको तय समय सीमा पे पूर्ण कराना, और सीमित संसाधन में जो भी सरकार की प्राथमिकता उसको आम नागरिक के बीच धरातल पर उतारना, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में रामनवमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के माध्यम से छात्र छात्राओं ने विभिन्न वेशभूषा एवं परिधान में रामायण के चरित्रों का प्रदर्शन किया। बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को पौराणिक कथाओं एवं समृद्ध भारतीय संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से भव्य रामनवमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पवित्र ग्रंथ रामायण के प्रसिद्ध चरित्रों जैसे वेशभूषा एवं परिधान को धारण कर उनके जीवन से संबंधित लघु कथा, भजन गीत, श्लोक उच्चारण पाठ, हनुमान चालीसा पाठ जैसे तमाम गतिविधियों का मनमोहक प्रदर्शन किया। छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय पात्र भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, अंगद, हनुमान के रूप में सामने आए।
जिन्हें उन्होंने विभिन्न गुणों के रूप में मूर्तिमान किया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जॉन एच के डॉक्टर पी हाजरा ने पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को आज की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक मानते हुए कहा कि रामनवमी महोत्सव के माध्यम से छात्र छात्राओं ने जहां एक और प्राचीन ग्रंथ रामायण व रामचरितमानस में बताए गए भारतीय मानवीय मूल को दर्शाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में हमारी परंपराओं के आदर्श सिद्धांत आचार विचार की प्रासंगिकता को सिद्ध किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। दिल्ली एम्स के पूर्व सीनियर रेसिडेंट कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डीएमआरटी डॉक्टर सलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित गिरिडीह का सबसे पुराना नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में सीटी स्कैन होल बॉडी, सीटी स्कैन ब्रेन, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, कलर डॉपलर स्टडी, यूएसजी होल एब्डोमेन, फेटल वेल्बिंग, फेटल एनोमेली, डिजिटल एक्सरे किया जाता है। समय सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक। हमारा पता चौधरी कॉम्प्लेक्स बोर्डो पेट्रोल पंप के सामने गिरिडीह। योर आई कैन नॉट सी द थिंग्स व्हाट योर माइंड डज नॉट नो। आई हैव गुड एक्सपीरियंस टू वर्क इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक एम्स न्यू दिल्ली, रिम्स रांची एंड फॉर लास्ट 10 ईयर कंटिन्यूसली आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट इन नाउ अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर इन बोर्डो गिरिडीह। सो there is very rare chance to miss any radiological finding by me. My report is having good respect in all over Giridih and all over India. Shri Vishwanath Nursing Home Giridih ka multi speciality hospital hai. Is hospital mein Dr. S.K. Dokania, general surgery evam laparoscopy, urology, stri rog, hatti rog visheshagya, Dr. Neeraj Dokania, general and laparoscopy surgeon evam senior resident department urology, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गॉल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह के इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहां बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1,000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, परमसिया, मगतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। एक्सलेंट एजुकेशन, वंडरफुल एटमोस्फेयर, लैविश बिल्डिंग and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams, the classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी, किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रूपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड, गोसाला मोहल्ला, पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है।
नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनिता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर पचम्बा रोड, गिरिडीह। किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोलडीहा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसे एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग के विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, केआर मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको स्टेशन रोड, गिरिडीह। ग्रीडी कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखे, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, ग्रीडी। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस
उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट साड़ी धोती सूट पीस चूड़ीदार सलवार सूट लॉन्ग कुर्ती लेगिंग्स फ्रॉक टॉप नाइटी करारा सरारा लहंगा चुनरी गाउन प्लाजो बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे, हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस कचहरी चौक गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा शहर में दो पियाओं का उद्घाटन रोटरी प्रेसिडेंट द्वारा किया गया। पियाओं के साथ साथ लोगों के लिए चना गुड़ खीरा ककड़ी की भी व्यवस्था रहेगी। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए शहर में 11 जगहों पर पियाओ बनवाने का संकल्प मेंबर्स द्वारा लिया गया, जिसके शुभारंभ आज अष्टमी के शुभ दिन पर दो पियाओं का उद्घाटन रोटरी प्रेसिडेंट संतोष कुमार अग्रवाल द्वारा करवाया गया। एक पियाओ क्लब की सेक्रेटरी सुमन गौरी सरिया के घर के बाहर और दूसरा पियाओ मेंबर उषा केड़िया के घर के बाहर बनवाया गया। वहां पर पानी के साथ साथ लोगों के लिए चना गुड़ खीरा ककड़ी इत्यादि की व्यवस्था भी की गई, ताकि लोगों को वहां ठंडे पानी के साथ साथ यह सब भी उपलब्ध हो। वहां मौके पर रोटरियन संतोष कुमार अग्रवाल डॉक्टर आर आर केड़िया विकास बगेड़िया विकास बैसेवाला एल पी गौरी सरिया क्लब की संस्थापिका पी डी सी पूनम सहाय सुमन गौरी सरिया कविता राजगढ़िया बेला जलान सुनीता शर्मा स्मृति आनंद संगीता अग्रवाल उषा केड़िया मौजूद थी। गिरिडीह सनशाइन के द्वारा आज यहाँ पे पियाऊ का इंतजाम किया गया है। वक्त के नजाकत को देखते हुए सूरज भगवान जैसे इनका क्लब है सनशाइन, उसी तरह सनशाइन की तरह सन एकदम जबरदस्त शाइन कर रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर पियाऊ का इंतजाम किया गया है। जो भी आदमी जिनको राहगीर को खासकर चूँकि डॉक्टर साहब का डॉक्टर रामरतन केड़िया जी का यहाँ पर क्लिनिक है, पूरे जिला से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, बच्चे लोग आते हैं दिखाने के लिए, तो उनको पानी की सबसे नीडी मतलब सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आज के डेट में, आज का समय को देखते हुए। तो उन्होंने यहाँ पर सनशाइन ने इनरविल क्लब सनशाइन ने यहाँ पर पीआईयू का इंतजाम किया है, जिससे कि लोगों को काफ़ी सुविधा हो और अपने प्यास को खुलो बुझा। शहर में बढ़ती हुई गर्मी को ध्यान में रखते हुए हमारे क्लब गिरिडीह सनशाइन ने कल ही एक ट्रेंड लिया कि हम लोग शहर में 11 जगह पियाऊ लगाएंगे, जहां पानी फल और चना गुड़ की व्यवस्था रहेगी, जिसकी शुरुआत आज अष्टमी के दिन, आज बहुत शुभ दिन है अष्टमी के दिन, हम लोगों ने दो जगह करी है। एक हमारे क्लब की सेक्रेटरी सुमन गौरी सरिया के घर के बाहर और एक हमारी मेंबर उषा केड़िया डॉक्टर केड़िया की क्लिनिक के बाहर हम लोग ने आज दो पियाऊ स्थापित किया है और 3 दिन के बाद हम लोग बाकी 9 जगह हम लोग पियाऊ लगाएंगे। और जिससे कि हमारी कोशिश है कि शहर में जितने भी राहगीर बाहर से आते हैं, चाहे कोर्ट हो चाहे हॉस्पिटल हो, उन लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। किसान मंच का धरना आज 33वां दिन भी जारी रहा। किसानों ने उपायुक्त द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने से आक्रोशित होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बगैर घूस के रजिस्टर 2 और खतियान का नकल नहीं देने की मांग को लेकर किसान द्वारा विगत 8 मार्च से लगातार दिए जा रहे धरना एवं मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा उपायुक्त गिरिडीह को रजिस्टर 2 और खतियान का नकल किसानों को दिलवाने का बार बार निर्देश दिए जाने के बाद भी उपायुक्त द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने से आक्रोशित किसान आज 33वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना में डटे रहे तथा जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि हम किसानों को इस आंदोलन में कई राजनेताओं ने आवाज से समर्थन किया, पर जब जिला प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किया जाने लगा तो कई नेता उदासीन हो गए और किसानों का साथ छोड़ दिया। पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी आंदोलनकारी किसानों के तरह ही दो गुनी उत्साह से किसानों को बगैर घुस कर रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दिलवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। गिरिडीह जिला का किसान मंत्री के साथ खड़ा मिलेगा दासो मुर्मू प्रभु किस्कू कुंजल कुम्हर छात्रधारी सिंह ने कहा कि इस 33वें दिन के अनिश्चितकालीन धरना के दौरान भले ही हम किसानों को बगैर घुस का रजिस्टर 2 और खतियान का नकल नहीं मिला हो, लेकिन उससे भी बड़ा चीज किसानों को मिला अपने जन प्रतिनिधियों का परखने का अवसर। किसान मंच की कमेटी का पूर्ण गठन करने का प्रस्ताव भी आज लाया गया। उक्त दोनों प्रस्ताव पर अनुमोदन मंगलवार को समन्वय किसानों के बैठक में लिया जाएगा।
आज के धरना कार्यक्रम में कुंजल कुमार, दासो मुर्मू, प्रभु किस्कू, मंटू चंद्रवंशी, विजय सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। किसान मंच के लोग आज 33वें दिन अनिश्चितकालीन धरना पर है। हमारा मांग है कि बगैर घूस का रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दो। जिला प्रशासन इतना निर्लज्ज, जिसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं। आज लगातार अन्नपूर्णा देवी जी चौथा पांचवा बार ट्वीट करके गिरिडीह डीसी को आगाह की है, चेतावनी दी है कि आप जो है नागरिकों का काम करें, नहीं तो न हम पीछे जाने वाले हैं न किसान पीछे जाने वाला है। देवरी के गोलाहार में श्री श्री 108 सतचंडी साप्ताहिक महायज्ञ कलश यात्रा शुरू हो गया। इस मौके पर काफी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रही। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के देवरी प्रखंड के अंतर्गत गोला आहार में आज से श्री श्री 108 सतचंडी साप्ताहिक महायज्ञ कलश यात्रा के साथ शुरू हो गया। इस महायज्ञ का कार्यक्रम 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेगा। यज्ञ को सफल बनाने के लिए अयोध्या से प्रसिद्ध कथा वाचिका देवी सुनैना कृष्णा, यज्ञचार पंडित विनोद पांडे, यज्ञाधीश पंडित भीम पांडे तथा कथा व्यास पंडित मदन मोहन पांडे होंगे। मौके पर मुख्य रूप से नेमधारी शर्मा व जीव अशोक यादव, राम यादव, गोला आहार यज्ञ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, पिंटू प्रसाद यादव, सचिव विनोद प्रसाद यादव, प्रदीप, मुकेश, विनोद, राजेंद्र, राजकुमार, रामू सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। आज के अंक में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।